क्या हो गया मेरी जान, तू इतनी परेशान हो? सब ठीक तो है ना? मैं सपने थी नहीं, रातों में मैं बहुत डर गई थी। बहुत बुरा ख्वाब देखा है मेरे रात को। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे घर में कोई घुस आया। मुझे अंदाजा है कि तुम और बच्चे घर पर अकेले थे, इसीलिए मैं जल्दी सियाकोट से निकल आया था। रास्ते बहुत खराब थे, इसी सुबह आने में देर हो गई। उपेंद, आप प्लीज मुझसे वादा करें, अब आइंदा हम ऐसे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मैं बहुत डर गई थी उपेंद, मुझे सब कुछ बुरा लग रहा था, ये घर, हर चीज। मेरा दिल कर रहा था मैं भाग जाऊं यहाँ से कहीं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो मेरी जान, मैं आ गया हूँ ना, तो इस तरह रोती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई रियली गेट वरीड, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और ये मानी आज यहाँ क्यों सो रहा है? सब खैर तो है? डर रहा था वो भी, कह रहा था मैं कमरे में नहीं सोऊंगा, बाहर ही सोऊंगा। घर इतना तूफानी मौसम था, ऐसा लग रहा था मेरे साथ सब कुछ तबाह करके ले जाएगा। और ये चोट कैसे लगी ऐसे? क्या हुआ ऐसे? ठीक है, वैसे ही खेलते में गिर गया था घर, ज्यादा गहरा नहीं है जख्म, मैंने बैंडेड कर दिया था, इट्स फाइन। मानी तो ठीक है, मानी की माँ मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। बहुत डरावना ख्वाब तुमने देख लिया था ना? मैं अब तक कांप रही हूँ। अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अब ऐसे करते हैं कि मैं जाके नहाता हूँ और उसके बाद नाश्ता साथ करते हैं, और आज नाश्ता मैं बनाऊंगा, ठीक है ना?